बच्चों आज के 500 फिजिक्स की सीरीज में हम सीखेंगे एक क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, समथिंग अबाउट कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है, और मैकेनिक्स भी थोड़ी सी उसमें इन्वॉल्व होगी। तो आइए देखते हैं। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ शर्मा फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स ग्वालियर। बहुत कॉन्सेंट्रेट करके सीखेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मुझसे ये बोला गया कि एक मेरे पास भाई इनफाइनाइट प्लेन शीट थी जिसपे चार्ज प्लस सिग्मा था, ठीक है, और एक माइनस इनफाइनाइट, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट थी जिसमें माइनस सिग्मा चार्ज था, दोनों के बीच में जो गैप था, डिस्टेंस था, वो ए था, और एक ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है। ये जो प्लेट है स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड डी है, चलो ये लेंथ डी है मेरे पास। अगली बात क्या बोली गई कि अगर मैं इसे ए बाई टू पे जाके एक चार्ज पार्टिकल क्यू लूं जिसका मास एम हो, जिसका चार्ज क्यू हो, उसको इनिशियल वेलोसिटी यू प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, तो वो पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा कि उसका पाथ कैसा होगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया उसका पाथ कैसा होगा, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसमें मेरे पास जो यू की मिनिमम वैल्यू बता दो, यू की मिनिमम वैल्यू बता दो जिसके लिए ये जो चार्ज पार्टिकल है जस्ट हिट द लोअर प्लेट, जस्ट हिट द लोअर प्लेट, लोअर प्लेट को जस्ट हिट करे। दो बातें बतानी है हमको, तो हम जानते हैं इसमें पहली चीज तो क्या देख लें, पाथ देख लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं इसमें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से कैसी होती, कांस्टेंट होती है। सिंगल लेयर इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से क्या होती है, अगर मैं इसमें कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लूं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, तो प्लस की वजह से अभी होगी मेरे पास ये डायरेक्शन में, यानी ई पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और ई माइनस की वजह से इसके टुवर्ड्स होगी, माइनस की तरफ होगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्टिंग फ्रॉम अप टू डाउन इन दिस सीक्वेंस, ठीक है। अब अगली बात अगर इसमें देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मेरे पास आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है मेरे बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही है कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लग रही है। अब मैं जानता हूं कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अगर चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन में देखूंगा तो एक्सेलरेशन क्या जाएगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, तो लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ अपॉन एम, यानी क्यू ई बाय एम, तो क्यू और ई कितना है मेरे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मास है वो एम, ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन। चलो भाई अब मैं एक चीज देखूं कि ये वेलोसिटी डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ही है मेरे पास। अब अगर मैं एक चीज देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है और जो चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी अगर वो डायरेक्शन या तो थीटा बनाती हो या 180 बनाती हो, तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन होता है या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट में स्ट्रेट लाइन होता है। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई भी एंगल थीटा है जीरो से 180 के अलावा कोई एंगल है जैसे 90 है, अदर देन 90 है, तो मेरे पास पैराबोलिक पाथ बनेगा इसमें, ठीक है भाई, पैराबोलिक पाथ बनेगा। तो जो पैराबोलिक पाथ बनेगा वो समथिंग अबाउट, उसने बोला जस्ट हिट द लोअर प्लेट, यानी इस तरह से बन जाएगा पैराबोलिक पाथ। तो इसका जो पाथ हो गया वो तो आंसर इसका आ गया पैराबोला। क्यों आ गया, क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी और जो एंगल था वो थीटा 180 के अलावा था, तो मैंने इसमें देखा कि भाई थीटा किसके बीच में, जो एक्सेलरेशन और आपके यूं कह दो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एंगल जो था अदर देन 180 था मेरे पास, अदर देन 0 डिग्री था, तो मैंने एक चीज बोल दी। अगली बात मेरे को क्या निकालना है कि यू मिनिमम कैलकुलेट करना है, तो यू मिनिमम कैसे कैलकुलेट करें, अगर ये जस्ट हिट करेगा तो इसकी जो डिस्टेंस है मेरे पास वो कितनी, उसने बोली डी डिस्टेंस है मेरे पास, यानी इसकी जो चार एक तरह से देखा जाए तो ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, जिसमें इसकी हाइट कितनी आ रही है, अगर ये ए बाई टू है तो ये भी ए बाई टू है, यानी जो हाइट है मेरे बेटे एच की वैल्यू इसमें मेरे पास सीधी सीधी ए बाई टू मेरे को दिखाई दे रही है, यानी अगर मेरे पास जो रेंज की वैल्यू है इसके लिए, जो रेंज यानी इसकी जो लेंथ है, जो रेंज की वैल्यू है अगर वो मेरे पास कम या जिसके जस्ट बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, डी के बराबर आ जाए, तो हिट कर जाएगा इसको प्लेट को, ठीक है। हम इक्विलिब्रियम केस में मान के चलते हैं, जो रेंज रेंज का फॉर्मूला जानते हैं क्या, यू अंडर रूट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में यू अंडर रूट टू एच बाई जी, तो यू यू कितना है मेरे पास, यू ही है भाई अंडर रूट टू एच बाई जी, तो टू इंटू एच, एच कितना है मेरे पास ए बाई टू, और जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव क्या लेना है मेरे पास, तो बेसिकली इसमें ग्रेविटी अगर इसमें नेग्लेक्ट कर दी गई तो जी इफेक्टिव यानी एक्सेलरेशन इफेक्टिव, तो कितना इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, क्यू सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन, क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एम, तो Q सिग्मा Q बाय और एप्सिलॉन नॉट इनटू M, ये मेरे पास आ गया, टू से टू समाचम हो गया, ये लेस देन इक्वल्स टू मेरे पास D हो जाए। अगर मिनिमम वैल्यू चाहता हूं तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास D, और अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, हम चाहिए मैं इसको इधर नोट कर देता हूं, ये आपने शायद नोट कर लिया होगा, U मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, U मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी D अंडर रूट के अंदर, और ये हो जाएगा Q इंटू सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एम,
a epsilon naught into m. सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर दिस केस. ये हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया. इसमें और भी केस बनाए जा सकते थे कि हिट ना करे तो r ग्रेटर देन d हो जाए मेरे पास, अगर हिट करे तो इक्वल हो जाए, जस्ट हिट करे तो लेस देन इक्वल टू d हो जाए. सो आई होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो. बच्चों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करिए जिससे आपका बेनिफिट हो औरों का भी बेनिफिट हो. थैंक यू बच्चों, आगे की बातें अगले वीडियो में.